शांति का प्रतीक लगता है। तीन टमटम और नए नए खड़ा हो गए। तो हे गाइस, तो अपनी गर्मा गर्म चाय आ चुकी है, आज सुबह सुबह की चाय। हाय हाय, मजा आ गया। नमकीन किधर है? नमकीन इधर है भाई, गेरी अपनी नमकीन। अब गर्मी पड़ गई है ना, तो पंखा चला के रखना पड़ता, वरना ऐसे पसीने टपकते हैं भाई, बहुत तगड़े वाले। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे होंगे, मौज कर रहे होंगे। तो भैया, अपन नहा धो के रेडी हो चुका है, चाय वाय मस्त पी ली है। छत पे आना यानी धूप को दावत देना और पसीने में तर बतर होना, बहुत गर्मी बढ़ गई है भाई। अभी 9:30 हो रहे हैं और धूप इतनी तेज होने लगी है। मैं आपको आज गार्डन का अपडेट्स दे देता हूँ, क्योंकि नई नई चीजें निकली हैं गार्डन में। एक तो ये वाइट फूल निकला है, इसमें शांति का प्रतीत लगता है, और इसमें ना तो खुशबू है ना कुछ है, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा है, मजेदार। और ये गेंदे के तो है ही है फूल, बाकी ओ भाई, तीन टमटम और नए नए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ वाला हमने तोड़ लिया, रेड हो गया था, जो तोड़ के खा लिया, गप पेट में चला गया सब्जी के साथ। जो सबसे बढ़िया फूल है वो है ये चमेली का फूल, क्या खुशबू आती है इसमें से, और बहुत सारे निकल रहे हैं, इधर भी उधर भी इधर भी। ओह ये वाला क्या खुशबू है, ये वाले एक साथ 10-12 निकल जाते हैं ना इकट्ठे, तो पूरी छत में खुशबू खुशबू आई है, है। और शाम को तो और अच्छी खुशबू आती है, मजा आ जाता है, ऐसे फूल लगाने चाहिए घर में। हमारे छत का अच्छा सीजन चल रहा है, गुलहड़ के भी फूल निकले हुए हैं, गुलाब के भी, उधर भी गुलहड़, गेंदे के भी, और ये वाले तो बहुत दिन से वेट करवा रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा सा खुला है। इसको तो मैं डेली देखता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है ऐसे, और ये काफी दिन से थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके। एक पौधा छूक गया अपना गेंदे का, बाकी कबूतर कहाँ गया। इधर धूप आ जाती है ना, तो इसलिए वहां रख दिया है और दाने डाल दिए हैं, जो इसके मॉम डैड है वो आके खा लेते हैं और देख जाते हैं, तो ये आई थिंक कभी भी उड़ सकता है ये, तो खुला छोड़ रखा है, उड़ जाएगा अपना जब मर्जी करेगा। तो ये देखो, मॉम या डैड में से कोई एक है जो आके देख रहा है, घूर रहा है मेरे को, ओ मेरा बेटा को ऊपर क्यों रख दिया भैया, भलाई के लिए रखा, इतना हगोगे तो क्या करेंगे हैं, साला कैसे हगते हो, डाइजेशन खराब है का, छेरे करते हो, थोड़ा टाइट हगो तो उठा के भी फेंक दे। एक तो घर में हगते ही हगते हैं, वहाँ नीचे मेरी बाइक खड़ी है, यहाँ तार पे बैठ के उस पर भी हग देते हैं। तो अभी कबूतरों का दाना डाल दिया, तो उससे अपने भी दाने की जरूरत पड़ती है, तो अपन भी खा लेता है। चलो, ब्रेकफास्ट में है बेसन की सब्जी और रोटी, ये वाला अच्छा लगता है अपन को। तो जो सबसे अच्छा जुगाड़ है ना, ये है, ये गन्ने वालों ने किया अपना जुगाड़। पहले क्या था, ये एक जगह बैठ के मस्त इंजन से जूस निकालते थे, अब इन्होंने उस इंजन को ही एक सेट बना लिया है और उससे ही ट्रेवल करते रहते हैं इधर उधर मस्त बैठ के। नो चलान, नो लाइसेंस, कुछ भी नहीं, बस 7 या 5 KV का वो जनरेटर सा होता है, उसे ही फिट कर दिया जुगाड़ लगा लगा के, मस्त जा रहे हैं। देखो दोनों बाप बेटे बैठे हैं, ऐसे गाना और लगा लेते, धूम मचा ले धूम, तो मजा ही आ जाता। फिलहाल
फिलहाल अभी मैं खाली बैठा था तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ टाइम पास करने के लिए खेला खेले। तो मेरे को ये वाला बहुत दिन से सोच रहा था ये बोतल वाला खेला खेलेंगे। इसे हटा देते हैं। ओहो क्या लगता है आज वो ये हो जाएगा? ओ बेटे बच गया। ओए होए होए खड़ा होते होते रह गया। बच गया। ओए यस बहुत सही मजा आ गया। I'm not afraid to die.